सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नो रोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब? जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि कब ये स्मार्टफोन को इंडिया में लाया जाएगा, तो फाइनली आपका इंतजार आप खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि नोकिया X6 या फिर कह लीजिए नोकिया 6.1 प्लस 21 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। जी हाँ, 21 अगस्त को ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ये स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे कब इस डिवाइस को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, तो फाइनली आपका वेट अब खत्म होने जा रहा है। 21 अगस्त को आपका वेट खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या अब आप नोकिया X6 को लेंगे या फिर नोकिया 6.1 प्लस को लेंगे? क्योंकि अभी इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं कि आप कंफ्यूज खुद हो जाएंगे आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं तो ओनर का, जो ओनर प्ले था वो लगभग 2 दिन पहले ही लॉन्च किया, उसके बाद आज लॉन्च हुआ है सौमी का Mi A2 और आएगा नोकिया X6 और इसका भी प्राइस लगभग वही 18-20 हजार रुपीज होने वाला है। ओनर के लिए आपको लगभग 20 हजार में देखने को मिल जाते हैं और Mi A2 अभी लॉन्च हो रहा है, इसलिए मुझे प्राइस का अंदाजा नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वही 18-20 हजार रुपीज इसका प्राइस हो सकता है। और नोकिया जो X6 या फिर 6.1 प्लस जो आने वाला है, इसका भी प्राइस 18-20 हजार के आसपास ही रहने वाला है। तो क्या आप इस फोन को लेंगे? क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट बात बता देता हूँ कि जो सामने Mi A2 का कैमरा वो काफी ज्यादा अच्छा है ओनर प्ले से और नोकिया X6 से। नोकिया X6 काफी अच्छा खासा स्मार्टफोन है, 5.8 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 19:9 स्क्रीन एक्सप्रेस के साथ आता है। इसका मतलब इसमें आपको ऊपर में नोच देखने को मिलेगा, 636 का चिपसेट मिलेगा, 16+5 MP का डुअल रियर कैमरा, 16 MP का फ्रंट कैमरा, एंड्रॉइड का 8.1 एंड्रॉइड ऑडियो देखने को मिलेगा। तो आपको तो स्पेस के बारे में पता है कि आपको नोकिया X6 में क्या क्या स्पेस देखने को मिलता है, तो उसका वो बात मैं बोलकर आप लोगों को बोर नहीं करने वाला। ये आप लोगों को पता है कि नोकिया X6 के बारे में आप लोग पता है कि बहुत दिनों से वीडियो देख रहे हैं कि नोकिया X6 अब आएगा, नोकिया X6 इस दिन आ रहा है, इस मंथ आएगा, जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, तो फाइनली अगस्त में आपका इंतजार खत्म हुआ और नोकिया X6 या फिर जो ग्लोबल वेरियंट है नोकिया 6.1 प्लस फाइनली 21 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो काफी अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए जो बहुत दिनों से नोकिया X6 का वेट कर रहे थे। हालांकि अभी इतने सारे ऑप्शंस हो गए ना, अभी आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखते हैं कैसे इसको किस प्राइस रेंज में लॉन्च करते हैं। अगर प्राइस थोड़ी कम कर देते हैं तो फिर ये धमाका मचा देगा, जिस तरह से जब चाइना में लॉन्च किया था तब धमाका मचाया था इसने। देखते हैं आप फ्यूचर में वो कैसा स्मार्टफोन, मतलब किस प्राइस रेंज में लॉन्च करते हैं। बाकी बात तो सब कुछ पता ही है कि आपको नोकिया X6 में क्या क्या देखने को मिलता है, बस एक चीज रह गई है वो है प्राइस। अब प्राइस हमें 21 अगस्त को पता चल जाएगा और फाइनली आपका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।